Good morning students, today we are going to learn lesson number 3.3 stone soup in English for standard 6. Now, this is a skit. आपके पास घर पे कोई अवेलेबल होगा कोई फ्रेंड वगैरह जो मोतीराम बनेगा सोनी सोना भाई बनेगा तो अभी बनो जिसे आपको टीचर स्कूल में बताती थी वैसा आप करो हीरा भाई मोती भाई सोना भाई सब बन जाओ सॉरी मोतीराम रूपा भाई. Now this skit is about a village. A few small cottages standing close by. They belong to Motiram, Sonabhai, Hirabhai and Rupabhai. It's evening, they are chatting outside Motiram's house. एक विलेज में चार घर है जो आसपास है और किस किस के हैं वो मोतीराम के हैं सोनाभाई के हीराबाई के रूपाभाई के और मोतीराम के घर के बाहर ये लोग बैठ के क्या कर रहे हैं चैटिंग कर रहे हैं. ऐसे हमारे भी घर पे होता है ना कभी कभी दरवाजे पर खड़े हो गए सब लोग बहुत सारे मम्मी आंटी सब बात करती है तो दिस पीपल आर डूइंग दैट. नाउ मोतीराम योर फार्म प्रोड्यूस वॉज वेरी गुड दिस ईयर आई एम टोल्ड. क्या बोल रहा है मोतीराम कि मेरे को ऐसे सुनाई दिया है कि जो ये साल आपका जो फार्म में प्रोडक्शन हुआ है अनाज जो उगा है वो क्या है बहुत अच्छा है. सोना भाई सो वॉज योर्स आई हर्ड मैंने भी सुना है कि तुम्हारा भी अच्छा था. सो मोतीराम आई डोंट वॉन्ट टू एडवर्टाइज इट दो इट माइट अट्रैक्ट गेस्ट. क्या बोल रहे मुझे इसका कोई एडवर्टाइज नहीं करना है क्योंकि इससे क्या हो जाएगा बहुत सारे गेस्ट लोग को अट्रैक्ट करेगा. नाउ ट्रेवलर एंटर्स फ्रॉम अ कॉर्नर द विलेजर्स डोंट सी हिम. एक ट्रैवलर होता है जो यहाँ से वहाँ जो बाहर का होता है विलेज के बाहर का वो वहाँ से एंटर करता है एक जगह से और ये लोग अपनी बातों में मशगूल है और बिजी है मीन्स और ये लोग उसको देख नहीं रहे. हीरा भाई यू आर राइट गेस्ट कैन बी अ नॉनसेंस. अब वो बाजू में से एक गेस्ट जा रहा है और वो हीरा भाई कह रहे हाँ तुम सही बोल रहे हो ये गेस्ट है ना कोई कोई बहुत नॉनसेंस होते हैं. सोना भाई आई अग्री स्पेशली अनइनवाइटेड गेस्ट. वो क्या बोल रहे हैं वो क्या बोल रही है अभी हाँ मेरे को भी ऐसी लगता है वो भी स्पेशली कौन बने जिसको हम बुलाते नहीं ना वो लोग. मोतीराम अनइनवाइटेड गेस्ट आर पेस्ट. क्या बोल रही है जिसको हम बुलाते नहीं है वो क्या है पेस्ट है. पेस्ट मीन्स जो खेती को खा जाते हैं ना इंसेक्ट्स जो होता है उसको बोलते हैं पेस्ट. ट्रेवलर बिकम्स नर्वस डजेंट कम फॉरवर्ड. अब वो एकदम नर्वस हो रही है ये लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं इन लोगों को मतलब अनइनवाइटेड गेस्ट पसंद नहीं है अब मैं क्या करूँ लोगों के पास जाऊँ कि नहीं जाऊँ ऐसी फीलिंग आ रही है. हीरा भाई थ्रू आई नेवर वेस्ट फूड गुड फूड एंड मनी ऑन अदर्स. क्या बोलिए हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो मेरे पास जो भी अच्छा खाना या फिर अच्छा पैसे होते ना तो मैं ऐसे दूसरे लोगों पर खर्चा नहीं करती. रूपा भाई डू यू थिंक दैट इट इज़ राइट हाउ कैन वी रिफ्यूज देम. हीरा भाई क्या बोल रही है कि अरे आप लोगों को ये सब सही लग रहा है हम गेस्ट को कैसे रिफ्यूज कर सकते हैं मना कर सकते हैं. सो हीरा भाई क्या बोल रही है ये रूपा भाई बोल रही है सॉरी हीरा भाई बोल रही है जस्ट फाइंड सम पोलाइट एक्सक्यूजेस दैट्स ऑल. सब अच्छा कोई एक्सक्यूज ढूंढ लेने का पोलाइटली बस हो गया. सोना भाई यू आर राइट आई कैन ऑलवेज कुक अप सम एक्सक्यूज. सोना भाई बोल रही है अरे तुम सही बोल रहे हो मैं भी ऐसी क्या करती हूँ कभी कभी हमेशा पूछ लू अपना हम बोलते ना अरे उसको उल्लू पका दिया मैंने अच्छा सा एक बहाना बना दिया वैसा वो वैसा बोल रहे कि मैं अच्छे से कुकअप कर सकती कोई भी एक्सक्यूज. नाउ मोतीराम मी टू फॉर मी चैरिटी बिगिंस एट होम एंड स्टेज एट होम एनी वे आई मस्ट अटेंड टू माई वर्क नाउ सी यू. क्या मैं भी ऐसा ही करता हूँ मेरे लिए क्या चैरिटी बिगिंस एट होम और जो भी मैं चैरिटी में करता हूँ वो घर पर ही रहना चाहिए तो वो चैरिटी हुई नहीं ना. सो एनी वेज मुझे काम पे जाना है मैं आप लोगों को बाद में मिलता हूँ चला गया सब उसको बोलते ओके बाय सी यू लेटर. नाउ दे एंटर अभी वो लोग अपने अपने घर में घुस जाते हैं. ट्रैवलर कम्स फॉरवर्ड ट्रैवलर व्हाट हार्ट लव आई एम अ पुअर फोर्स फॉर ट्रैवलर एंड आई एम सो हंग्री बट दिस बंच ऑफ विलेजर्स लुक टफ आई डोंट थिंक दे विल ऑफर मी फूड और रेस्ट बट लेट मी ट्राई. अब वो आता है सारी बातों की बात सुन लेता है यार मैं इतना गरीब इंसान हूँ ना तो मुझे अभी लगता तो नहीं कि विलेजर्स मुझे खाना देंगे या मुझे यहाँ पे आराम करने के लिए मिलेगा बट क्या करेंगे भूख लगी है तो इंसान क्या करता है ट्राई करता है. ही नॉक्स ऑन मोतीराम्स डोर मोतीराम ओपन्स द डोर. वो क्या करता है नॉक करता है और मोतीराम घर खोलता है. येस हु आर यू एंड वॉट डू यू वॉन्ट. ट्रैवलर आई एम अ ट्रैवलर आई एम वेरी हंग्री एंड टायर्ड कैन आई प्लीज हैव सम फूड एंड अ प्लेस टू रेस्ट फॉर द नाइट. मोतीराम बोलता है यस कौन है तुम और क्या कर रहे हो.
ट्रैवल करता हूँ, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना और रेस्ट दे सकते हो? मुझे राम बोल रहे बाप रे खाना ख़त्म हो गया है और वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, कहीं और जाके आप ढूंढ लो ना। और दरवाज़ा बंद कर देता है जोर से। ट्रैवलर हाउ रोड लेट मी ट्राई द नेक्स्ट डोर, कितना रोड है मैं दूसरा डोर दूसरी जगह पर जाके ट्राई कर लूँ। नॉक फन सोना बाय डोर शी कम्स आउट, गुड इवनिंग काइंड लेडी आई एम अ ट्रैवलर, कैन आई हैव सम फूड एंड अ कॉर्नर टू रेस्ट फॉर टू नाइट। तो सोना भाई को जाके सेम चीज़ बोलते हैं। सोना भाई क्या बोलती है, वो देखो एक्टिंग कर रही है, सर पे हाथ रखती है ऐसे पकड़ लेती है। क्या बोल रहे हो तुम ट्रैवलर, कैन आई हैव सम फूड, वो जोर से चिल्लाता है क्या मुझे खाना मिलेगा? तो सोना भाई बोलती है वूड, मतलब वो बहरे बनने की एक्टिंग करती है। Why? There is a plant in the forest. Find a fallen tree and chop all the wood that you need. क्यों आप वुड मांग रहे हो? फॉरेस्ट में बहुत सारा है, वहाँ पे जाओ झाड़ तोड़ो और काट लो जितना चाहिए उतना। सोना भाई ट्रैवलर, अरे आई सेड फूड आई एम हंग्री, यू अग्री? फाइन देन गो एंड चॉप द फूड। बोले अरे मैं खाना बोल रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, वो हंग्री को अग्री बोल रही है। बोले ठीक है अगर आपने मुझे अग्री किया तो जाओ और अभी वो वुड ढूंढो, पेड़ काटो और काट के लेके चले जाओ। Goes back into the house, फिर अंदर चले जाते हैं दरवाजा बंद कर देते। ट्रैवलर वेल वेल दैट वॉज अ क्लेवर एक्सक्यूज, ही प्रिटेंडेड टू बी हार्ट ऑफ ग्राउंडिंग, लेट मी ट्राई दिस। अरे वाह वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा इसका बहाना था, उसने बेरा बनने की एक्टिंग करी, चलो मैं कहीं और जाता हूँ। फिर वो हीरा भाई के दरवाजे में जाता है। एनी वन एट होम एनी फूड फॉर हंग्री ट्रैवलर, फिर वो वही चीज़ बोलता है। हीरा भाई आती, गुड इवनिंग मैम, आई वंडर इफ आई कुड गेट सम फूड टू ईट एंड अ प्लेस टू रेस्ट फॉर द नाइट। ओ गया वाह, कौन डूब देना हो तीसरा रोज कौन आओ, हमारे अपनी लैंग्वेज में वो लैंग्वेज ही चेंज करती है, समझ में आया? कुछ तो अलग ही अलग लैंग्वेज बोलती है। तो ट्रैवलर बोलता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो फिर वही बोलते हैं डूंगा 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 और एलवेल से कुछ भी, मतलब अपनी अलग जो उसकी को अपनी लैंग्वेज आपको जो लैंग्वेज लैंग्वेज होती है जो ट्रैवलिंग को समझ में नहीं आता है। गोज बैक इनसाइड लिविंग द ट्रैवलर बी वेल्ड, और उसको अकेला छोड़ के वो अंदर चले जाते हैं। ट्रैवलर सो दैट वॉज अ ट्रिक टॉकिंग गिब्रिश, आई एम नॉट डेफिकेटेड, ये क्या है, ये उसका अच्छा बहाना था, मेरे को समझ में नहीं आई लैंग्वेज। वो रूपा भाई का दरवाज़ा, यस हू आर यू यंग मैन, आई हैव नॉट सीन यू अराउंड, कुछ कह रहे कौन है आप, मैंने आपको आज तक आजू बाजू में देखा नहीं, कौन है भाई? बोलते हैं आई एम ए ट्रैवलर एंड वॉन्डर्ड इफ आई कुड गेट सम फूड एज वेल एज अ कॉर्नर टू रेस्ट फॉर दिस नाइट। वो क्या बोला, मुझे थोड़ा सा मतलब सोने की जगह अच्छी और खाना चाहिए। रूपा भाई क्या बोलती है, वो सोचती फिर होती है अलास माई लाडर इज एम्प्टी, आई एम सो हंग्री माई सेल्फ बट आई हैव नथिंग लेफ्ट इन द हाउस। बोलती मेरा जो चम्मच है ना वो भी खाली हो गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुद हंगरी हूँ। ट्रैवलर बोलते हो आई एम सो सॉरी, वो ऐसा बोलने लगता है। फिर बात बोलते हैं आई एम सॉरी टू बट आई कांट हेल्प इट आउट। रूपा भाई बोलती है, रूपा भाई भी बोलती है कि आई एम वेरी सॉरी बट मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती। ट्रैवल बोलता है, ट्रैवलर बता रही वेट मैडम अगर आपको सही में भूख लगी तो मैं हम दोनों के लिए सूप बना सकता हूँ। रूपा बट आई टोल्ड यू माई लेटर इज एम्प्टी, आई कांट ऑफर यू एनीथिंग। वो क्या बोलता है कि मैंने जब बोला ना आपको कि मेरे पास चम्मच भी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया, चम्मच में भी कुछ नहीं बचा है, तो फिर मैं अब तुम्हें कुछ चीज़ ऑफर नहीं कर सकती। तो वो बोलता है कि आप मुझे सीधे कुकिंग पॉट दे दो, स्पून दे दो और कुछ पानी दे दो। आई हैव अ मैजिक स्पून इन माई बैग, वैन यू बॉइल इट इन वाटर इट मेक्स अ डिलीशियस नरिशिंग सूप। तो बोलते हैं मेरे पास एक मैजिक स्टोन है मेरे बैग में, अगर आप मुझे ये सारी चीज़ें दे दोगे और पानी डाल के उसको बॉइल कर दोगे वो बहुत ही अच्छा सूप बना के देते हैं। सच्ची में ये जस्ट अ पॉट ऑफ वाटर ओनली अ बिग वन, सिर्फ एक बड़ा पानी का पॉट मुझे दे दो। रूपा भाई गोज बैक टू आर कॉटेज, ट्रैवलर कलेक्ट्स वुड एंड मेक्स अ फायर इन वन कॉर्नर, अदर नेबर्स पीप आउट फ्रॉम देयर डोर विंडोज एंड वॉच क्वाइटली, बट क्यूरियसली रूपा भाई कम्स आउट विद अ बिग फायर। सब लोग ट्रैवलर क्या क्या सब कलेक्ट किया वुड और आग लगाया, आजू बाजू के सब लोग अपने खिड़की में से देख रहे थे ये क्या चल रहा है। और रूपा भाई क्या करती है, टॉर्च लेकर आती है,
ये लो पानी का पॉट ले लो, टैबलेट को था थैंक यू, अब सिर्फ रुको और देखो। तो वो स्टोन निकाल के अपनी पॉकेट में से क्या करता है, उसमें डाल देता है ओके पॉट में। रुको भाई, मैजिक स्टोन डेट मेक्स अ सूप आई कैन हार्डली बिलीव। और वो बैठ जाती है, अरे मैंने मेरे को ये चीज़ भरोसा नहीं हो रहा है कि इससे सूप बनेगा। हाँ आई लव यू, इट्स गोइंग टू बी रियली डिलीशियस इफ ओनली वी हैड वन और टू पोटैटोज टू ऐड, इट टेस्ट हेवनली विद पोटैटो बट अलास वी डोंट हैव एनी। वो क्या बोलता है कि हाँ ये ना पोटैटोज के साथ बहुत अच्छा लगता है, पर क्या करेंगे हमारे पास है नहीं, अगर होता ना तो सूप क्या है बहुत अच्छा बनता। रूपा भाई वन और टू यू सेड, लेट मी सी इफ आई हैव जस्ट वन और टू लेफ्ट समवेयर, यार लकीली आई हैड सम जस्ट अ फ्यू लेफ्ट, आई हैव इवन पेल्ड देम फॉर यू, वंडरफुल। क्या बोल रूपा भाई, एक दो ही ना पोटैटो मैं ढूंढती हूँ, कहीं ना कहीं होगा वो, कहीं कहीं से तो ढूंढ के लिखना दे। बोले देखो मैंने क्या किया, पोटैटो को छील भी दिया आपके लिए, पील भी कर दिया है, और ये बहुत ही खूबसूरत मतलब बहुत ही टेस्टी बनेगा। ड्राइवर बता रही वाओ वेरी गुड, वो अंदर पोटैटो डाल देता है, स्टेल आते रहता है। वॉट विद द पोटैटोज यू हैव गिवन द सूप विल नाउ बी टेरिफिक, कैरेट्स एंड टोमेटो वुड गिव टेम्पटिंग कलर वुडेंट दे बट दैट वुड बी टू मच टू होप फॉर। वो क्या बोलता है, अगर इसमें कैरेट और टोमेटो चला जाता तो कितना अच्छा कलर आ जाता ना, एकदम देखने में हमको बहुत अच्छा लग जाता, बट हमको हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोलती है रूपा भाई हाँ आई डोंट नो, सोना भाई कम्स आउट विद सम पोटैटो, सोना भाई क्या करती है कुछ पोटैटो लेकर आती है, टोमेटोज मेरे पास है आप मेरा ले लो। सोना भाई हेलो हेलो, मे बी आई कैन बी और सम हेल्प, आई हैव रिजर्व दिस टोमेटोज फॉर टुमारो बट आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू नाउ, एंड आई नो दैट हीरा भाई हैज प्लेंटी ऑफ कैरेट्स बट आई एम नॉट श्योर इफ शी विल शेयर अ फ्यू विद अस। वो टोमेटो लेकर आ जाती है, वो कट करके डालते हैं। अब हीरा भाई भी क्या करती है अपने पास से कैरेट्स लेके आ जाती है। आई डोंट हैव प्लेंटी, इन फैक्ट आई टू वॉज रिजर्विंग दिस फॉर टुमारो बट नेवर माइंड इफ सोना भाई कैन स्पेयर हर टोमेटोज आई टू कैन स्पेयर दिस, मतलब उन्होंने तो कल के लिए रखा था बट अगर ये अभी यूज़ करे तो मैं भी क्या करता हूँ यूज़ कर लेता हूँ। आफ्टर ऑल यू डोंट गेट टू सी अ मैजिक स्टोन मेकिंग अ मैजिक सूप एवरी डे, वो इसके लिए क्योंकि रोज रोज हमको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा कि कोई मैजिक स्टोन क्या कर रहा है हमारे लिए सूप बना रहा है। ओके आई एम रियली स्पीचलेस यू नोबल लेडीज, अरे आप लोग इतनी अच्छे, आप लोग इतने अच्छे हो कि मैं एकदम मेरे पास वर्ड ही नहीं आप लोगों की तारीफ करने के लिए, ऐसा ट्रैवलर बोल रहा है। दिस इज गोइंग टू बी अ फेमस सूप नाउ, ये बहुत अच्छा सूप है और ये बहुत फेमस बनने वाला है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द सूप आई हैड मेड सम टाइम अगो, आई हैड एडेड जस्ट अ फ्यू ग्रीन्स ऑनियंस एंड आई थिंक अ लिटिल पीस ऑफ जिंजर एंड वॉट फ्लेवर इट हैड। क्या बोलते हैं कि मैंने बस थोड़ा थोड़ा उसके अंदर जिंजर डाला था, थोड़ा तो ये उससे भी अच्छा बनने वाला है, थोड़ा अनियन डाल दिया था और थोड़ा बीन्स डाल दिया था। दोज आर द ओनली लिटिल थिंग मिसिंग नाउ बट वॉट वी हैव इट गुड ऑल्सो गुड इनफ, यू कांट ऑलवेज हैव द बेस्ट। तो कोई बात नहीं, इसके बगैर जो है सूप अच्छा बनेगा, हमेशा हम बेस्ट सूप नहीं पी सकते पर ये घर के सूप अच्छा बनेगा। अब मोतीराम हो जाता है, वाई नॉट इफ यू कैन हैव द बेस्ट वाई मिस द गोल्डन चांस, अगर आप बहुत अच्छा बेस्ट सूप बना सकते तो हम गोल्डन चांस क्यों मिस कर सकते हैं, मेरे पास है आप मेरे लिए। When help is needed, old Mutiram doesn't land behind. जब जब क्या बोलते किसी को हेल्प करती है, मैं जो हूँ मोतीराम वो कभी पीछे नहीं हटता, वो वेजिटेबल ऑफर करती है और वो इस्लाम के लिए कैसे हम झुकते जैसा वो झुक रहा है। हाउ कैन आई फॉरगेट योर जेनरोसिटी, आप इतने जेनरस से मैं ये किसी भूल सकता हूँ, ऐसे ट्रैवलर बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली माउथ वाटरिंग, वॉट फ्लेवर, वॉट अरोमा, वॉट टेस्ट, मार्वेलस, ओनली आई हैड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इट वुड बी परफेक्ट। क्या बोल रहा है, क्या इसमें खुशबू आ रही है और क्या टेस्टी बन गया, बस क्या है थोड़ा सा हमको नमक डाल रहा है। आई विल गेट सम सॉल्ट एंड बोल्स फॉर ऑल ऑफ अस, रूपा भाई अंदर जाती है, नमक लाती है और सबके लिए बोल लेकर आती है। थैंक यू, आई वॉज अबाउट टू सजेस्ट दैट यू आर ऑल बींग सो काइंड एंड हेल्पफुल, इट इज़ एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। आप लोग इतने अच्छे हो तो आप लोगों ने मुझे इतनी हेल्प करी, ये मेरा मैं कभी नहीं भूलूंगा इस एक्सपीरियंस को। रूपा भाई आ वंडरफुल, यू कैन टेस्ट द बोनस ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, येस अनबिलीवेबल, नो वन वुड थिंक दैट दिस सूप वॉज मेड विद अ स्टोन। क्या बोल रही सुना भाई, बाप रे इसका इतना अच्छा टेस्ट है कि कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि ये स्टोन से बना हुआ है। मोतीराम यू हैव सेड इट सच डिलीशियस वेजिटेबल्स
मेड विद द स्टोन। हाँ उस मुद्रा भी बोल रहा है पागल कि देखो कितना अच्छा सूप बनाया है, बोले हमने स्टोन से बनाया है। हीरा भाई, आई वॉन्डर वॉट हैपन्स टू द स्टोन, डज इट मेल्ट अवे, वो बोल रहे हैं। अरे मुझे वो हीरा भाई पूछ के मुझे ये देख लिए जानना है कि आप क्या वो स्टोन मेल्ट हो गया। ट्रैवलर बोल रहा है, नो इट रिमेन्स द सेम, एक लुक दिस वॉज द स्टोन डेट मेल्ट द सूप, हैव यू गेस द सीक्रेट ऑफ द स्टोन सूप, यू कैन मेक इट इवन विदाउट द स्टोन। ट्रैवलर बोल रहा है, अरे नहीं वो तो वैसा का वैसा ही है, वो जैसे निकाल के दिखाया देखो। और आके आप लोगों को पता है कि ये स्टोन के बगैर भी आप लोग इतना अच्छा सूप बना सकते हो। और बोल रहा है ये ट्रैवलर बोल रहा है, मतलब उसने भूख के लिए उसने आइडिया लगाया, सबसे थोड़ा थोड़ा सामान लिया और अपने खाने का बंदोबस्त कर लिया, और इन लोगों को वो चीज़ समझ में ही नहीं आती। ओके बाय बाय।